गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। 20 अक्टूबर करंट अफेयर वीडियो को शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक रहे, टीम केस इंडिया को किस द्वारा लॉन्च किया गया है? जो क्रिकेट टीम है इंडिया की, उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है मास्टर कार्ड द्वारा। किसके द्वारा? मास्टर कार्ड द्वारा। टीम कैशलेस इंडिया अभियान मास्टर कार्ड और उसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? अधिक व्यापारी और ग्राहकों को समिति पर लाना है, ताकि भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को क्या बढ़ावा मिल सके। ये कदम मास्टर कार्ड के प्रयास से पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को उनकी नियमित खरीद के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करने की प्रोत्साहित इससे होगा। क्वेश्चन नंबर है दो, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय सेना ने अपने आधिकारिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए ओसिस कार्यक्रम लॉन्च किया? क्या किया? ओसिस जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया किस राष्ट्रीय सेना ने किया? तो वो किया भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने अपने नए कार्यक्रम ओसिस अधिकारी स्वचालित संरचना सूचना प्रणाली के तहत अपने आधिकारिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है, जो पहले मैन पावर प्लानिंग डायरेक्टोरेट द्वारा संरक्षित था। सॉफ्टवेयर को सेना के इंटरनेट में होस्ट किया जाना है। और आगे देखें क्वेश्चन नंबर तीन। तीन नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने संस्थान के शताब्दी समारोह में पूरा होने के दौरान राष्ट्रीय पोषण स्थान पर एक डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय इसमें से कहाँ पे है? तो जो आपको बताना है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय ने संस्थान ने शताब्दी समारोह में पूरा होने के दौरान राष्ट्रीय पोषण संस्थान पर एक डाक टिकट जारी किया था। और आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय है वह हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। हैदराबाद में भारतीय सार्वजनिक जो स्वास्थ्य पोषण अनुष्ठान केंद्र है UCMR ICMR के तहत सबसे बड़े और सबसे पुराने केंद्रों में से क्या एक है? स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने भारत के कॉर्पोरेट माई स्टैम्प योजना के तहत संस्थान को डाक टिकट जारी करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। कब कहाँ आयोजित होने जा रहा है? पांचवा विश्व कॉफी जो सम्मेलन है वो तो हो रहा है बेंगलोर में। कहाँ पे हो रहा है? बेंगलोर में। बेंगलोर में 7 से 9 सितंबर 2019 को इसे आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय क्या था? सस्टेनेबिलिटी थॉट इंस्पिरेशन है। भारत वर्तमान में दुनिया का क्या 6ठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है? क्वेश्चन नंबर देखें पाँच, भारत के कौन से पड़ोसी देश 1965 के युद्ध के बाद बंद किए गए पुराने रेल लिंक है उसे फिर से खोलने जा रहा है? तो वो करा है बांग्लादेश। बांग्लादेश पुराने रेल संपर्क को फिर से खोल देगा, जो 1965 तक बांग्लादेश से दार्जिलिंग से सिलीगुड़ तक संचालित थे, जिन्हें युद्ध के बाद निलंबित कर दिया गया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका कुरीगाम के बीच पहली इंटरसिटी ट्रेन के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की थी। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच 4 रेल संपर्क कार्य कर रहे हैं। और आज का जो सवाल आपके लिए, जिसका आपको नीचे कमेंट के द्वारा जवाब देना है, वो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 या 12 अक्टूबर को? आपको आंसर देना है नीचे, आपके जो भी आंसर हो, A, B, C या D। आपको अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें।